A very good morning to all of you. Welcome to the Wi-Fi Study channel, changing the way of learning, India's number one online education channel and the part of Unacademy. So, एक बार सारे मेरे साथ जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए इस क्लास को. ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक आ रही है ऐसा करके बता दीजिए जल्दी से. गुड मॉर्निंग एवरी वन. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. अ वेरी गुड मॉर्निंग. सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि लास्ट दो दिन से आप क्यों नहीं आ रही हो, तो उस क्वेश्चन का आंसर ये कि भाई लास्ट दो दिन से है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, जॉन्डिस हो गया है, लेकिन अभी ये है कि क्लास ले सकते हैं आराम से. पिछले दो दिन से बहुत ही ज़्यादा फीवर था इसलिए नहीं ले पाए थे. मतलब अगर नॉर्मल खांसी वगैरह होता तो ले लेते, लेकिन फीवर में ना खड़ा भी नहीं हो जा रहा था इसलिए. तो जॉन्डिस का प्रॉब्लम है, बट नाउ वी कैन टेक द क्लास. एंड ये दो दिन की क्लासेस का कंपनसेशन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो नहीं हो सकता ना, जो चीज़ नहीं हो सकती या ऐसी चीज़ों का कंपनसेशन नहीं हो सकता. बट रिगार्डलेस दिस, ये वाली क्लास मैं अब अगले दो हफ्ते तक बिल्कुल कंटिन्यू रखूंगी. बिल्कुल कंटिन्यू का मतलब संडे को जो हम एक छुट्टी करते हैं ना इस वाली क्लास की, मैं वो भी नहीं करूंगी इसका. अब हम पूरे वीक जो है ना वो क्लास यहाँ पे करेंगे. फोर डेज तो नहीं भाई, मैंने लास्ट क्लास जो है वो आपकी शनिवार को ली थी. राइट, शनिवार को लिया था ना ये क्लास, लास्ट फर्स्ट डेट जो थी 200 क्वेश्चन वाला जो हम कर रहे थे. मेरे ख्याल आपकी 200 क्वेश्चन की भी पीडीएफ अभी अपडेट नहीं हो पाई है ना. 200 क्वेश्चन वाली जो पीडीएफ है ना वो भी आपकी अपडेट नहीं हुई है, तो वो भी आज इसी क्लास के साथ अभी अपडेट हो जाएगा, तो साथ में उसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि उसके लास्ट के 50 क्वेश्चन का कुछ रह गया था. तो वो भी मैं आपको आज शाम की क्लास में करा देती हूँ उसके बचे हुए 50. अच्छा ऐसा करते हैं, उस क्लास के बचे हुए 50 क्वेश्चन आज शाम को अपडेट करा लेते हैं, शाम वाली क्लास में कर लेते हैं. उसके बाद वो पीडीएफ आपकी पूरी 200 क्वेश्चंस के साथ ही अपडेट हो जाएगी. ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. उसके बाद ये वाली क्लास आज नए क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पे करा देते हैं. ठीक है, किसका विजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल बेड से उठने की भी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल, और जॉन्डिस में वॉमिटिंग भी आती है ना बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी. इतनी भी नहीं कि बेड से उठ के मैं मैसेज भी कर पाऊँ इसीलिए, नहीं तो आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू कहीं पे ना, टेलीग्राम पे या कहीं पे भी, लेकिन नहीं हो पाया था. सो सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दैट. आई नो दो दिन की पढ़ाई का लॉस मैं भरपाई तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैक्सिमम क्लासेस अब आपकी लेने की कोशिश करूँगी, जिसमें संडे का मैराथन किस चीज़ का लेना है. मैराथन आप बता दो, मैं आपको कर दूंगी यहाँ पे क्लासेस. साइंस का मैराथन कर ले, साइंस का, बायोलॉजी का एक ही दिन में पूरा रिवीजन, बताओ एकदम धासु तरीके से अगर अग्री करोगे आप तो कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पे मैं सैटरडे को कर लूँ. सैटरडे इस बार आपका ऑफ ही है, सेकंड सैटरडे है, आराम से कर लेते हैं. चलिए पहले आज की क्लास शुरू कर लेते हैं. बाकी आपकी जो भी डिमांड्स होंगी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर आपको मैराथन क्लास करनी है वो भी कर देंगे. बाकी आप लोग के लिए बहुत कुछ प्लान तो कर ही लिया है कि करंट का टॉपिक्स मैं आपको कराना शुरू करूँ. देखिए शाम वाली क्लास में ना मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज ही समझ लीजिए आप इसको, है ना. आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम कहाँ से करें, और करंट अफेयर्स करें तो टॉपिक वाइज कहाँ से करें, जैसे इंडेक्स है, रैंकिंग है, स्पोर्ट्स है, पर्सनैलिटीज है, अपॉइंटमेंट्स हुई है काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कुछ चेंजेस लेके आए हैं, वॉर्स की बात करें, मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें, या बहुत कुछ मिसलेनियस हुआ है इस पूरी दुनिया में 2021 में. टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए ना 2021 का करंट अफेयर्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसी हफ्ते से, प्रोबेबली परसों से शुरू कर देंगे, तो उसके लिए मैं आपको अलग से इन्फॉर्म कर दूंगी. बाकी जो शाम की अनअकैडमी की क्लासेस है 6 PM वाली और 7 PM वाली, दोनों की दोनों क्लासेस जो है ना वो मैं आपका करा देती हूँ. ठीक है, डन है. संडे को मैराथन क्लास कर रहे हैं साइंस का, और सबसे पहले बायोलॉजी के साथ ही शुरू कर लेते हैं ताकि बायोलॉजी आपकी पूरी रिवीजन यहाँ पे हो जाए. अनअकैडमी पे आप शिप्रा 10 कोड यूज़ करके कोई भी क्लास जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आपकी अनअकैडमी 2022 के शुरू होने पे 22% का ना आपको एक्सटेंडेड ऑफर दे रही है, जो कि आज 5 जनवरी को लास्ट है, तो आखिरी है भाई ये 5 जनवरी को ना. तो आज आप यहाँ से ना अपनी जो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन अभी भी आप अगर सोच रहे हैं, चाहे एसएससी का सेगमेंट है, चाहे रेलवे का सेगमेंट है, उसके अलावा आपकी यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आज लास्ट डेट है, आप 22% ऑफ मिलेगा. और जब आप शिप्रा 10 कोड यूज़ करेंगे ना तो आपको 10% और भी मिलेगा,
ऑफर यहाँ पे ना, तो सारी चीज़ें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे, जैसे ये क्लास हम करते हैं 30 क्वेश्चन, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। आज आपको दो टॉपिक्स की डिटेल PDF में एक्सप्लेनेशन मिलेगी, तो वो मैं आपको बता दूंगी कौन से क्वेश्चन की है। पहले आप क्वेश्चन नंबर वन शुरू करिए। सदन के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में किसी भी एक सदस्य हुए बिना कार्यवाही, मतलब कार्यवाही सदस्य किसी भी सदन के नहीं है, वो ना राज्यसभा के हैं ना लोकसभा के हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वोटिंग नहीं कर सकते लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं और आर्टिकल क्या है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो बोलना है, जब जब सामने चीज़ें नहीं है ना तो लोग अपने हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं। छुट्टियां मनाने कहा जाएंगे भाई, हम जिम्मेदार नागरिक है। जब ओमिक्रॉन या कोरोना स्प्रेड हो रहा है तो कहीं जाने का मतलब या सेंस नहीं है, बिकॉज अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हो तो आप अपने साथ वायरस लेके आ रहे हो, आप अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ऑन दिस मोड अभी कोई छुट्टियां नहीं। चलिए बताइए, ठीक है ठीक है, आगे से पक्का कभी भी। वैसे तो अब मौका नहीं आपको ऐसा मिलेगा बोलने के लिए कि छुट्टियों के लिए आप बताएं, पर मैं छुट्टियां नहीं करूंगी, बट हाँ अगर इन केस होता है तो मैं आपको बता दूंगी। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी इस टाइम पे आपको बताइए कि के वेन्यू गोपालन जी जो है ना, ये आपके अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 76 में ये लिखा हुआ है। अच्छा कौन से आर्टिकल? के वेन्यू गोपालन हमारे आर्टिकल नंबर किस में लिखे हैं? आर्टिकल नंबर 76 में। आप बस ये बता दीजिए के वेन्यू गोपालन कौन से नंबर के भारत के अटॉर्नी जनरल है, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन आप ये याद रखिए, दूसरा क्वेश्चन मुझे ये बताइए कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और साथ में MPs जो है वो संसद की कार्यवाही में भाग लेंगे, ऐसा कौन से आर्टिकल में यहाँ पे मेंशन किया? देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू फॉर प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस, राइट टू स्पीक, राइट टू सिट इन एनी ज्वाइंट सेशन ऑल्सो। अच्छा स्पेशल सेशन जो बुलाए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और इनकी अध्यक्षता लोकसभा के चेयरमैन के द्वारा की जाती है, स्पीकर लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है, उसमें भी ये बैठ सकते हैं। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हो गए, किसी भी इंटरनेशनली जाके अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना हो या राज्य में ही, भारत के किसी भी राज्य में रिप्रेजेंट करना हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट यहाँ पे करते हैं और बोलते हैं, ठीक है। भारत के कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI साथ में MPs जो है ना वो संसद की सदन में कार्यवाही लेंगे? वेरी गुड, 88 करके याद रखिए, बिल्कुल यहाँ पे 88A करके लिखा जाता है, आर्टिकल नंबर 88A, राइट, आर्टिकल नंबर 88A, तो ये वाला आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अटॉर्नी जनरल 76 आप सबको पता है, लेकिन ये अटॉर्नी जनरल को राइट कौन से आर्टिकल में मिला है पार्लियामेंट में बैठने का, बोलने का या कुछ भी अपना प्रस्ताव रखने का? तो 88 नंबर ए करके याद रखिए, अटॉर्नी जनरल के वेन्यू गोपालन अभी इस समय भारत के 15th नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अच्छा ये बताइए, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम? रोम क्या होता है? कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर रहे हैं। NTPC में मैं फिर से रिपीट करूँ, कोई भी कंप्यूटर को ना जरा लाइट में नहीं लीजिएगा, NTPC में 2 क्वेश्चन और ग्रुप डी में 1 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर के लिए टारगेटेड है, ठीक है। तो रोम जो है ना, इनमें से कौन सा रोम की कैटेगरी नहीं है? रोम होता क्या है? रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि नॉन वोलेटाइल होती है ना, नॉन वोलेटाइल है। आपके पास रोम कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। अब ये बताइए इनमें से कौन सा 4 प्रकार में से 1 प्रकार नहीं है, उसको ऐड करके हम उसको डिलीट करके हमें 1 प्रकार ऐड करना पड़ता है। पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम या फिर आपका यहाँ पे एक जो है ना वो उसका टाइन नहीं है, किसकी बात कर रहे हो? डी वाला ना, डी वाला याद रखिए, डी ए वाला। हाँ तो देखो अब इसकी जगह आप यहाँ पे ना एम रोम करके लिख लो, क्या लिख लो? एम रोम,
एम रोम क्या होता है, मस्ट रीड ओनली मेमोरी, क्या मस्ट ई रो ई मस्ट, बाकी तो आपको पता ही है, मस्ट रीड ओनली मेमोरी। तो आपके पास टोटल रोम जो होती है ना वो चार प्रकार की होती है, जिसको हम पी रोम करके बोल दिए। पी रोम में पी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका प्रोग्रामेबल, क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल। एम रोम क्या हो गया, मस्ट हो गया। ई पी रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। और ई ई करके हम किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास रीड ओनली मेमोरी ये नॉन वॉलेटाइल होती है आपकी, है ना, पी प्रोग्रामेबल, ई पी इरेजेबल प्रोग्रामेबल, और ई ई क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, और एम रोम हम क्या बोलते हैं, मास। तो रोम आपके पास चार तरीके की ना बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड एज एंटी टेररिज्म डे थ्रू आउट इंडिया, संपूर्ण भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, और दूसरी चीज ये कि क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, रीजन क्या है। जब आप डेज याद रख रहे हैं ना, तो डेज क्यों ऑब्जर्व किए जाते हैं ये भी जरूर से याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैम आपकी वॉलेटाइल, रैम वॉलेटाइल है, और रोम जो है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल है। एंटी टेररिज्म डे थ्रू आउट इंडिया 21 मई 19 मई, नहीं भाई 21 मई, और किसकी डेथ के बाद हमने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया था, किसकी डेथ के बाद, मतलब क्यों हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया था, तो राजीव गांधी, एग्जैक्टली राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद तमिलनाडु में राजीव गांधी जी अपनी मीटिंग रैली करने गए थे, वहां पे इनकी हत्या कर दी गई थी, और जिनकी जिन्होंने हत्या की थी वो तमिलियन लिबरेशन से रिलेटेड, देखिए तमिलियन लिबरेशन से रिलेटेड थे। आपने एक वेब सीरीज भी देखा होगा फैमिली मैन 2 करके जो आई थी मनोज वाजपेयी जी की, उसमें तमिलियंस का ही पूरा सिचुएशन दिखाया था, और तमिलियंस अभी भी देखो अगर थोड़े से सवालों के कटघरे में रखा जाए किसी चीज़ों को, तो अभी हाल ही फिलहाल हमारे CDS जी की मृत्यु हुई है, जनरल विपिन रावत जी की, लोकेशन वही है तमिलियन का एरिया जो है वहाँ पे, तो ये वाला पूरा एरिया थोड़ा सवालिया निशान में रहता ही रहता है, क्योंकि तमिलियन लिबरेशन आर्मी ये श्रीलंका के साथ मिलके कुछ यहाँ पे एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है ना, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो गतिविधियाँ यहाँ पे करते हैं। तो उसी रिस्पेक्ट में ये याद रखिए 21 मई को राजीव गांधी जी की मृत्यु, मतलब ही वॉज अ वेरी केपेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया, एक यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, और IT हब उन्होंने चेंज कर दिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। अभी अभी आपको पता होगा कौन सी सरकार ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राजीव गांधी जी के नाम के ऊपर एक IT अवार्ड भी आपका रखा है ना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों ने किया है यहाँ पे। तो 21 मई करके याद रखिए, 21 मई, ठीक है, 21 मई द कैपिटल ऑफ काकातिया डायनेस्टी, साउथ इंडिया हिस्ट्री का एक क्वेश्चन। देखिए साउथ इंडियन की हिस्ट्री आप पढ़िए, आपको सीधा सीधा यहाँ पे डायनेस्टी की कैपिटल पूछिए, और साउथ इंडिया हिस्ट्री से आपको यही क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, बताइए द कैपिटल ऑफ काकातिया डायनेस्टी, और आज के कौन से राज्य में ये आपकी लोकेटेड है, मतलब अगर हम साउथ इंडिया या सेंट्रल इंडिया या मिडिल इंडिया उठाएंगे तो आप बताइए कि यहाँ से काकातिया डायनेस्टी की राजधानी क्या है, कौन सी सेंचुरी में थे ये लोग, 12वीं सेंचुरी। 12वीं सेंचुरी का मतलब है 1132 से लेके 1194 के बीच में ये डायनेस्टी बहुत ज्यादा फ्लरिश करती है। इस डायनेस्टी के दौरान में साउथ इंडिया के अंदर आपको इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, क्योंकि ये डायनेस्टी थोड़ी सी, इसके कुछ राजा जो थे 1236 तक भी जाते हैं, 1236 तक, राइट। इसी बीच में सेंट्रल इंडिया या दिल्ली सल्तनत के कई राजा जो है ना वो इस पे आक्रमण भी कर रहे हैं। आंसर है वारंगल। आज की डेट में कहाँ पे लोकेटेड है आपका, तेलंगाना के अंदर लोकेटेड है तेलंगाना। अब इम्पोर्टेंट ये कि इन्हीं राजाओं के द्वारा गोलकोंडा की जो खाने है ना, जिसमें से हमारा कोहिनूर हीरा निकला था, वो ही खाने इन्हीं डायनेस्टी के द्वारा, काकातिया डायनेस्टी के द्वारा बनवाई गई थी। अब इसको जरा करंट से रिलेट करके देखिए, ये करंट से रिलेटेड भी है आपका, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने और आंध्र प्रदेश ने, मेजॉरिटली तेलंगाना ने,
तेलंगाना ने काकातिया मिशन करके एक शुरू किया है आपका काकातिया मिशन, जिसमें मिशन काकातिया करके बोला जा रहा है, जिसके अंदर तेलंगाना की या इस डायनेस्टी की जितनी भी महल हैं या इसकी धरोहर है या इसके द्वारा इस डायनेस्टी के द्वारा जो भी बनवाया गया था उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है ताकि टूरिज्म के लिए इसको यहाँ पे बढ़ा सके। दूसरी चीज, काकातिया डायनेस्टी अपने इरिगेशन चैनल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सिंचाई के सबसे अच्छे साधन या तो तुगलक डायनेस्टी में हुए थे सेंट्रल इंडिया दिल्ली सल्तनत के अंदर, या काकातिया डायनेस्टी के द्वारा किया गया था। तो काकातिया डायनेस्टी की ये जो इरिगेशन वाला पार्ट है ना, इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि तेलंगाना ने अभी क्या किया है, मिशन काकातिया करके शुरू किया है, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, मिशन काकातिया करके याद रखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले आप ये बताइए, भारत का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? आधी जनता को हमारी ये दिक्कत होती है ना, नेशनल सॉन्ग और नेशनल हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है और हमारा जल्दी से राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान की कंफ्यूजन होती है। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले ये बताइए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? हाँ तो साइंस आप करिए ना, साइंस करिए आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। साइंस आप 3 बजे वाली क्लास आपकी साइंस की जो है ना वो आपकी चल रही है, ठीक है, आज भी होगी, आज से पूरा शुरू करें। किसी को जनगण मनगण लग रहा है क्या? लग रहा है ना, बहुत लोगों को लग रहा है, जनगण मनगण भी लग रहा है ना। सबसे पहले देखो, राष्ट्रीय सॉन्ग वंदे मातरम है आपका, जनगण मनगण हमारा राष्ट्रीय सॉन्ग नहीं है, वो हमारा देखिए राष्ट्रीय गीत जनगण मनगण है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत गीत लिखा है ना, तो जनगण मनगण करके याद रखिए, ठीक है, जनगण मनगण है, जनगण मनगण याद रखिए यहाँ पे राष्ट्रीय गीत के लिए। सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स की बात करिए, जब हम राष्ट्रीय गान लिखते हैं ना तब हम जनगण मनगण लिखते हैं, राइट, जब हम राष्ट्रीय गीत लिखते हैं तब हम वंदे मातरम लिखते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। 26 जनवरी आने वाली है, याद रहना चाहिए। अब ये बताइए, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज कंपोज्ड बाय, किसने कंपोज्ड किया था और कौन सी नॉवल में लिखा था? राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मनगण है, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय गान जो है ना वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ है, जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रीय गान जो है वो लिखा है, इंक्लूडिंग श्रीलंका के लिरिक्स भी। राष्ट्रीय गीत जो है वो हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने आनंद मठ नाम की एक नोवल लिखी थी, किताब लिखी थी, उसी किताब के अंदर से हमने जनगण मनगण जो है वो उठाया। जनगण मनगण पहली बार ऑफिशियली कलकत्ता के सेशन में 1896 में गाया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा राष्ट्रीय सॉन्ग और राष्ट्रीय गान, ठीक है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान हमारा सबसे पहले कोलकाता के अंदर गाया गया था, जिसमें से अगर मैं आपको राष्ट्रीय गीत की बात करूं तो कलकत्ता में 1896 के अंदर हमारा सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यहाँ पे गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था, हमने वंदे मातरम को अपने नेशनल सॉन्ग के इक्विवेलेंट दर्जा दिया था, यानी कि जनगण मनगण और वंदे मातरम दोनों को 24 जनवरी 1950 को बराबर का दर्जा दिया गया था, क्योंकि इससे पहले जनगण मनगण राष्ट्रीय गान हो जाता है तो कई सारे लोगों को या हमारे कई सारे बुद्धिजीवी जो थे उनको आपत्ति होती है, जिसकी वजह से 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जनगण मनगण को बराबरी की यहाँ पे बराबरी जो है वो दी जाती है, ठीक है, ये याद रखिए। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी वहां से, और 1896 में बंगाल के अंदर सबसे पहले कलकत्ता के अंदर, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के अंदर सबसे पहले ये गाना गाया गया था। आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित जनजाति कौन सी, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी जनजाति है
जो आपको आंध्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है, इसकी आज आपको ना डिटेल नोट पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। ट्राइबल एक ऐसा क्वेश्चन है, ट्राइब्स आप याद रखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट तरीके से आप ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो। ट्राइब्स का क्वेश्चन आपके इस बार के पेपर में आएगा, चाहे आप एनटीपीसी दे रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी का पेपर दे रहे हो, या अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हो। स्टेट सर्विसेज वालों को पता है ये क्वेश्चन आता ही आता है, और ग्रुप डी और एनटीपीसी के पेपर में ट्राइब्स पे से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। तो ट्राइब्स जो है ना वो इस बार आपको अच्छे से करके जानी है, राइट। देखिए ट्राइब्स के बारे में पहले आप आंसर बता दीजिए ताकि फिर आप ध्यान से सुनोगे। ट्राइब्स की टोटल पॉपुलेशन, ट्राइब्स की टोटल यहाँ पे आर्टिकल्स, ट्राइबल मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, और भारत के अंदर टोटल मिला के ट्राइबल्स की संख्या जो है वो कितनी है। गोंड्स जो है वो आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की है, बाकी सारी आप जो है वो यहाँ पे देख पा रहे हो। देखो लोशाई, गारो और खासी, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ना, इस क्वेश्चन में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। भले ही से आपको ट्राइब्स ना पता हो आंध्र प्रदेश की, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि लोशाई हिल्स, गारो हिल्स और खासी हिल्स, ये सारी की सारी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में आती हैं। लोशाई, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, नागा, ये सारी हिल्स कहाँ पे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोकेटेड है। गोंड्स जो ट्राइब है वो आपका एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सारे क्षेत्र में फैला हुआ है। अब आप थोड़ा सा ना 2 मिनट ध्यान से सुनिए। देखिए ट्राइब्स का क्वेश्चन भारत के लिए, वैसे भी ट्राइब्स को जानना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी ट्राइब्स क्वेश्चन के लिए भी जरूरी है। और वैसे भी देखो भारत में जनजातियों का अगर हम टोटल संख्या माने तो 10.43 करोड़, ठीक है, 10.43 करोड़ जो है वो भारत के अंदर टोटल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है, जो कि भारत की 2011 के पॉपुलेशन के हिसाब से 8.6% जो है वो बनाती है। 2021 का आपके पास सेंसस जो होगा वो 2023 या 2024 तक अवेलेबल होगा, उसमें ये संख्या आपको काफी अच्छे से बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि भारत के अंदर ट्राइब्स की संख्या जो है वो बढ़ चुकी है। शेड्यूल नंबर फिफ्थ, ठीक है, पांचवी अनुसूची या पांचवें शेड्यूल के अंदर भारत ने शेड्यूल ट्राइब्स की डेफिनेशंस जो है वो बताई हैं, कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली, जिन्होंने अपने आप को एक्सपर्डाइट नहीं होने दिया है और अपनी आज भी धरोहर को उसी तरीके से मेंटेन किए ना, उनको हम ट्राइब्स का नाम दिए। सबसे ज्यादा भारत के अंदर एसटीज की जो संख्या है, यानी कि जो हम ट्राइब्स की संख्या जो बोलते हैं जनजाति की, वो कहाँ, कौन से राज्य में है, एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश। तभी देखो एक चीज याद रखो, वहां पे ट्राइब्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट कवर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा है ना, फॉरेस्ट कवर के मामले में भी मध्य प्रदेश भारत के अंदर नंबर 1 पे आता है। ट्राइब्स की टोटल संख्या जो है भारत के अंदर, जो अमूमन एक ट्राइब्स की संख्या दी जाती है, वो बोला जाता है कि 645 भारत के टोटल 645 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 563 से ज्यादा प्रकार की जनजातियां जो है वो भारत के पास अवेलेबल है। महाराष्ट्र सबसे पहले तो ये एमपी हो गया, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन वाले एरियाज के अंदर ट्राइब्स की संख्या भारत की बहुत ही ज्यादा है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ट्राइबल पॉपुलेशन में, जैसे गोवा है, गोवा की ट्राइबल पॉपुलेशन 1% भी नहीं थी टोटल, लेकिन आज की डेट में भारत में गोवा ने सबसे ज्यादा इंक्रीज किया है, और 10% से ज्यादा गोवा की टोटल पॉपुलेशन के अंदर ट्राइब्स की संख्या यहाँ पे मौजूद है, राइट। उसके अलावा मिजोरम, मेघालय, नागालैंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये जो यूटीज में वैसे आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे दिल्ली के अंदर कोई ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन जिनके मैंने नाम लिए अभी इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, इन्होंने ट्राइबल पॉपुलेशन को इंक्रीज किया, राइट, बहुत ज्यादा। गोवा में देखो आप 1% से ज्यादा बढ़ के अभी गोवा के अंदर 5 ट्राइब्स जो है वो मौजूद है, और 10% से ज्यादा गोवा के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन मौजूद है, जो कि भारत में एक अच्छा खासा इंक्रीज जो है वो दिखा रहा है। अब आर्टिकल नंबर 366, दो आर्टिकल्स आप याद रखें,
आर्टिकल नंबर 366 का सेकंड भाग और आर्टिकल नंबर 345, ये आपके दो आर्टिकल्स हैं जो भारत के संविधान में ट्राइब्स को मेंशन कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 1999 में बहुत एक्सटेंसिवली इसको पावर्स दी जाती हैं 1999 को, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आज इसके हेड कौन है, आज ये मिनिस्ट्री किसके द्वारा देखी जा रही है, जल्दी से बस ये बता दीजिए। अच्छा अभी आ रही है क्या, अभी आ रही है, अभी आ रही है आवाज आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अब आ रही है ना। अच्छा सुना तो है ही ना, आवाज सुनाई तो दे रही है ना, तभी तो आंसर दे दिया कई सारे लोगों ने। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अभी किसके हाथ में है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अभी मिनिस्टर कौन है, अच्छा भारत के साथ। अच्छा ऐसा कोई, अगर हम दिल्ली को छोड़ दे या एक दो और आपकी स्टेट्स को छोड़ दे, तो यहाँ पे पूरा ट्राइबल, जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आंध्र प्रदेश, और अच्छा इसी मैप में देख लीजिए ना आप, ये मैप देखिए, यहाँ पे 11.3 पूरा पॉपुलेशन, 11.3% पॉपुलेशन रूरल एरिया का। अब इस मैप के अंदर जैसे आपको दिखाई दे रहा है, एमपी जो है वो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 22.3% उसकी पॉपुलेशन के अंदर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दादर एंड नगर हवेली, सिंपल एक चीज़ याद रखिए, नॉर्थ ईस्टर्न आपकी जो स्टेट्स है ना, नॉर्थ ईस्टर्न, उसमें अगर हम त्रिपुरा को छोड़ दे और असम को छोड़ दे, तो इनके अंदर जो है ट्राइबल पॉपुलेशन इनकी टोटल पॉपुलेशन की कम है। लेकिन उसके अलावा नागालैंड और मिजोरम, मिजोरम तो कमाल ही है, मिजोरम की टोटल पॉपुलेशन की 9.5% पॉपुलेशन ट्राइबल मिनिस्ट्री के ट्राइबल्स के अंदर आती है। अर्जुन मुंडा जी याद रखिए, अभी अर्जुन मुंडा जी जो है वो आपकी ट्राइबल मिनिस्टर के यहाँ पे ट्राइबल मिनिस्टर्स हैं। आपको भारत की सारी राज्यों की जनजातियों के नाम लिखे हुए हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड हो गया एक्सप्लेनेशन, लेकिन कृपया करके ना एक बार उसको पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि आज की पीडीएफ में से ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। समझ गए, पहले जल्दी से बताइए पढ़ेंगे, क्योंकि आधे टाइम पीडीएफ देने के बाद मुझे यही टेंशन होती है कि आप आधे टाइम ना पीडीएफ देने के बाद मुझको यही टेंशन होता है कि आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। तो एक बार जल्दी से ना ये बता दीजिए कि आज की पीडीएफ जो दी जा रही है ना उसको पढ़िएगा। आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, आपका अरुणाचल प्रदेश, केरला, कर्नाटका, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड के अंदर आपकी 6 जनजातियां जो है ना वो आपकी मौजूद है। अच्छा सबसे बड़ी जनजाति आप गोंड और भील करके याद रखिए, गोंड और भील, भारत के अंदर गोंड और भील सबसे बड़ी जनजाति है, जिसमें से गोंड आइडियली सबसे बड़ी है पॉपुलेशन वाइज, लेकिन भील जनजाति जो है वो आपकी ज्यादा एरिया में फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट बताइए आप एक क्वेश्चन, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का महासचिव जो है ना वो कौन है, राज्यसभा का महासचिव मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम जो है ना फैली हुई आपकी जो जनजाति है पॉपुलेशन वाइज। अच्छा अब इसमें एक क्वेश्चन और भी याद रखिए, यहाँ पे ये हो जा रही है गड़बड़, जब भी आप गोंड और भील लिखते हैं ना तो आप लोग दो चीजें याद रखिए, गोंड आपकी ऐसी प्रजाति है जो ज्यादा जगह में फैली हुई है, यानी कि ज्यादा स्टेट्स को कवर कर रही है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन चारों स्टेट्स के अंदर गोंड है, सबसे फैला हुआ ट्राइब आपका गोंड है और भील पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है। समझ पा रहे हैं, ये दोनों चीज समझ पा रहे हैं ना, ये वाला राज्यसभा का महासचिव जो है अभी आपका कौन है, राज्यसभा के महासचिव आपके कौन है यहाँ पे, तो आप पीसी मोदी करके याद रखिए, कौन याद रखना है, पीसी मोदी, ठीक है पीसी मोदी। नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड व्हाट, अच्छा लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, अभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन आपके चेंज नहीं हुए हैं ना, प्रमोद चंद्र मोदी, बिल्कुल पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। अपोजिशन लीडर कौन है राज्यसभा में, अपोजिशन लीडर, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर भाई, सेक्रेटरी जनरल नवंबर दो, अच्छा ये क्यों पूछा है आपसे, क्योंकि ये भाई नवंबर 2021 में ही चेंज हुए हैं, इसलिए तो न्यू अपॉइंटमेंट्स जब करेंगे ना तो भी याद रखिएगा, यहाँ पे पीसी मोदी की हम बात करें,
लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो मल्लिका अर्जुन खड़गे करके याद रखिए। नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड्स व्हाट, प्राकृतिक संसाधनों में कौन सी चीज को शामिल किया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूशन यूज द मोटो योग शेम वहा मयहम सिद्धांत, किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, योग शेहम व्यामहम। कौन सी भारतीय संस्थान इसको यहाँ पे यूज करती है इस लोगों को, अच्छा इसका मतलब क्या है, योर वेलफेयर इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर वेलफेयर इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी उन्नति हमारा दायित्व है या हमारा कर्तव्य है। अच्छी लाइन है ना, ये बहुत ही बढ़िया लाइन है, आपका कल्याण या आपकी प्रोग्रेस हमारी जिम्मेदारी है, किसके द्वारा ये लिखा जाता है। और जरा इनके याद है ना, हमने दो अलग अलग जो क्वेश्चन किए, चेयरमैन अलग एमडी अलग, ठीक है चेयरमैन अलग है एमडी एमडी अलग है, किसकी बात कर रहे हम, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारत की एकमात्र इंश्योरेंस कंपनी जो कि वर्ल्ड में भी बढ़िया रैंकिंग आती है, 1 to 50 के अंदर हमेशा LIC की रैंकिंग जो है वो रहती है। चेयरमैन MR और आपको MD कौन लिखना है, यहाँ पे MD, दो MDs याद, वेंकटेश्वर है ना, LIC MR कुमार कौन है, चेयरमैन है, MD नहीं है ना, याद रहेगा ना, चेयरमैन है MD नहीं है। Your welfare is a responsibility. Who is the founder of International Solar Alliance? इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संस्थापक जो है ना वो कौन है, PDF बताएंगे, आप पहले क्लास करिए, खाली PDF से काम नहीं चलेगा ना, पहले क्लास करिए, एंड में आपको बता रहे हैं ना। अच्छा याद रखिए, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस को नरेंद्र मोदी जी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2021 के अंदर इसकी पूरी डिस्कशन की गई थी। और उसके अलावा आपको एक पॉइंट याद रखना है कि COP 21 जब हुआ था, कौन सा COP 21, कोपेनहेगन प्रोग्राम बोलते हैं जो आपकी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी मेजर चेंजेस हैं या ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करनी होती हैं वो कोप में ही, कोपेनहेगन में ही की जाती हैं। कोपेनहेगन 21 के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के स्टार्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव था जो प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के द्वारा किया गया था। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इंडिया के साथ या इंडिया ने कौन से दूसरे कंट्री के साथ किया गया था, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट, याद रखिए फ्रांस के प्रेसिडेंट थे एची फ्रेंकोइस, उनके साथ मिलके ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस को शुरू किया गया था। तो आप याद रखिए यहाँ पे बी करके इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन, अब याद रहेगा ना, ऐसे करके याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को लर्न करेगा आपको याद हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया जनगण मन भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। इस गीत के कौन से स्टेंजा को हम जब गाते हैं ना जनगण मनगण, तो हम इस अपने इस नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान को कौन सा स्टेंजा जो है ना हम गाते हैं, बताइए, फर्स्ट पूरा गाना ही तो गा लेते हैं क्या, थर्ड फोर्थ या फर्स्ट एंड सेकेंड। अजय माथुर जी बिल्कुल, इसका हेडक्वार्टर आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गुड़गांव में स्थित है। अजय जनगण मनगण जो है ना, COP 20, अच्छा COP 21 आपका यूनाइटेड नेशन के अंदर फ्रांस के अंदर ही हुआ था। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में, अरे ये अच्छा क्वेश्चन है, COP 21 आपका फ्रांस में ही हुआ था, तभी वहां के फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इसको सपोर्ट भी किया था, इसको स्टार्ट करने के लिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्टार्ट करने के लिए फ्रांस में COP 21 आपका फ्रांस के अंदर हुआ था जहां पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को शुरू किया गया था। और भारत, अच्छा इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछते हैं ना गुड़गांव के अंदर है ना, हरियाणा के अंदर जो आपका लोकेटेड है। जनगण मनगण भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसका हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्टैंजा यूज करते गाने के लिए, केवल पहला, और टोटल स्टैंजा है कितने, तो 5 टोटल स्टैंजा है, कितने 5 टोटल 5, पहला स्टैंजा हम यूज करते हैं। हु वाज स्वॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर,
मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? एक प्रेसिडेंट आपसे पूछा जाएगा, एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मतलब अपना नहीं, किसी भी देश का नया कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बना रहता है वो पूछते हैं। और पेपर अगर बहुत सिंपल करना है तो भारत का एक सीएम और भारत की एक राजधानी आपसे पूछ ली जाती है ना। कैपिटल कंट्रीज, पूरे दुनिया के जो कंट्रीज हैं उनके राजधानी तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अपने भारत के किसी भी राज्य की राजधानी पूछी जाती है। मणिपुर की राजधानी क्या है और मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर की राजधानी और मुख्यमंत्री नोंगथोम्बन वीरेन करके लिख लें, नोंगथोम्बन वीरेन सिंह। स्टेंजा मतलब जब हम पोएम पढ़ते हैं तो हमारे पास पोएम एकदम लाइन में थोड़ी आती है, तीन स्टेंजा चार स्टेंजा, जैसे गाने होते हैं आपके गाने चार पांच स्टेंजास के होते हैं ना, उसी तरीके से नोंगथोम्बन वीरेन सिंह मणिपुर की राजधानी। नॉर्थ इंडिया की सारी राजधानी आपको लर्न करनी है, देखिए इम्फाल करके मणिपुर कैसे लर्न करना है, आई से शुरू होती है मणिपुर, इम्फाल करके याद रखिए, मणिपुर में आई बिल्कुल सेंट्रल सेंट्रल लेटर है तो आई से इसकी राजधानी इम्फाल करके लर्न करिए। व्हेन डिड द मंगोल्स इन्वेड ट्रांसऑक्सीना? इसके बाद ही भारत आए थे मंगोल्स, पहले ट्रांसऑक्सीना जो है ना उस पर आक्रमण करने के बाद आराम से भारत के पास पहुंचे, और इस टाइम पे था कौन? चंगेज खान, गेंगिस खान जिसको बोलते हैं यहाँ पे। और मंगोल भारत में अलाउद्दीन खिलजी के दौरान आए थे, या बोल सकते हैं कि मोहम्मद तुगलक के दौरान आए थे। मंगोल्स ने भारत पे आक्रमण कब किया था? दो राजाओं के समय पे, या तो आप अलाउद्दीन खिलजी याद रखिए या फिर मोहम्मद बिन तुगलक करके याद रखिए, इन दोनों के समय पे मंगोल्स ने भारत में इन्वेजन किया। लेकिन ट्रांसऑक्सीना जो है वो कहां पे? 1219 दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान के रूप में किसको जाना जाता है बताइए? दिल्ली सल्तनत में पूरी पांच डायनेस्टीज जो है वो आपकी आती हैं, जिन पांच डायनेस्टीज में सबसे पहली डायनेस्टी आपकी स्लेव यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का फाउंडर माना जाता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत की आखिरी लड़ाई कौन सी थी जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है? तो आइडियली इब्राहिम लोदी 1526 में दिल्ली सल्तनत को खत्म करने वाला शासक, और इब्राहिम लोदी पूरे दिल्ली सल्तनत का अकेला ऐसा राजा था जो कि लड़ाई के दौरान मरा था, वरना बाकी दिल्ली सल्तनत का कोई भी राजा ऐसा नहीं था जो किसी बड़ी बैटल में मरा हो। सब लोग अपनी नेचुरल या आपस में वो कलेश करके मर गए एक दूसरे की प्लॉटिंग और वो करके ना। विच अमंग दी फॉलोइंग इज दी करेंसी ऑफ हंगरी? इनमें से हंगरी की मुद्रा जो है वो कौन सी है? हंगरी की राजधानी क्या है? इब्राहिम लोदी आइडियली भारत का आखिरी राजा बोला जाता है, और इब्राहिम लोदी भारत का आखिरी ऐसा राजा भी बोला जाता है जो कि आपका बैटल में मरता है, वरना कोई भी बैटल में नहीं मरता है। हंगरी कैपिटल क्या है और हंगरी की जो राजधानी है वो उन राजधानियों में से पांच में से गिनी जाती है, जिसमें से आपकी रशिया या यूरोप अगर हम बोले तो उसकी सबसे बड़ी नदी ट्रैवल करके जाती है ना, दानवे और बोल्गा रशिया की दो बड़ी नदियों में से गिना जाता है। यहाँ पे आप याद रखिए बुडापेस्ट की राजधानी, और इनमें से कौन सी करेंसी हंगरी के अंदर यूज की जाती है? तो फॉरेंट करके याद रखेंगे, कौन सी? फॉरेंट। फॉरेंट जो है ना वो आपकी हंगरी के अंदर यूज किया जाता है, यहाँ पे हंगेरियन फॉरेंट के नाम से इसको जाना जाता है, बुडापेस्ट, राइट? बुडापेस्ट हु वॉज नॉट इन्वॉल्व इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी? काकोरी साजिश में इनमें से कौन शामिल नहीं था? काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 को हुई, 9 अगस्त 1925 को हुई काकोरी कांड, भारत के आजादी के इतिहास के सबसे बड़े कांड में से गिना जाता है। एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जानी जाती है, ये एचआरए अलग है, आपकी हरदयाल सिंह वाली जो एचआरए है वो अलग है। ये वाली एचआरए भारत के अंदर 1924 के अंदर एक्टिव होती है, जहां पे आप याद रखिए कि ये अच्छा ये पूरा सिचुएशन याद है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी लखनऊ और काकोरी के बीच में एक ट्रेन चलती है, जैसे ओरिजिन उसका शहजानपुर से लखनऊ बोला जाता है, बीच में ये वाली ट्रेन चली थी कि 19 किलोमीटर दूर काकोरी गांव पे ये काकोरी कांड होता है, जहां पे एचआरए के मेंबर्स जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान
उसके अलावा ठाकुर रोशन सिंह, ये लोग कुछ शामिल थे जिसको मिला के बताया जाता है कि इस एसोसिएशन के अंदर टोटल मिला के 40 से ज्यादा एक्टिव वर्किंग लोग जो है वो शामिल थे। लूटा ट्रेन को इसीलिए गया क्योंकि जो पैसा इस ट्रेन के अंदर जा रहा था और जो इस ट्रेन के अंदर जो कुछ इक्विपमेंट्स जो जा रहे थे ना, उनको हमें लूट रहे हैं। लूट की वैल्यू आपको पता है, पैसे की वैल्यू आपको इससे पता लग जाएगी कि ये जब ट्रेन लूटी जा रही थी ना, कितना पैसा इसमें से निकला था पता है आपको? मात्र रुपीज 8,000 के लिए ना ये लूट की गई थी। साथ में कुछ हथियार भी थे इसके अंदर जिनको भी इन्हें लूटना था। ये लूट में इन लोगों को फांसी, यानी कि 4 लोगों को इसमें फांसी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खान जी, चंद्रशेखर आजाद जी और ठाकुर रोशन सिंह जी, 4 लोगों को देन एंड देयर जो है वो फांसी दी जाती है 1926 में। ठीक है, 1925 में ये काकोरी कांड हो रहा है, फांसी जो है वो 17 से 19 दिसंबर के बीच में 1926 को फांसी यहाँ पे दी गई। इनफैक्ट यहाँ पे 1926 को ट्रायल दिया गया था, 1926 को ट्रायल दिया गया था, फांसी एग्जैक्टली 1927 में हुई थी, 1927 में ट्रायल्स या जो फाइनल वर्डिक्ट था वो 1926 में आया था, फांसी जो दी जा रही है वो 1927 में दी जा रही है। यहाँ पे 9 अगस्त 1925 को कांड हुआ, फिर उसके बाद इनको पकड़ा गया, सितंबर तक सारे क्रांतिकारी जो है वो 40 के 40 पकड़ लिए गए। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सितंबर 26 तक, ये पूरा कांड कब हो रहा है, अगस्त में हो रहा है, अगस्त के बाद 26 सितंबर तक भारत से कम 40 रेवोल्यूशनरीज जो है उनको पकड़ा जाता है। इन लोगों की पकड़ नहीं आ रही है। चंद्रशेखर आजाद जी कभी पकड़े नहीं गए थे, वो 1931 में अपनी ही गोली से पार्क के अंदर, जिसको आज हम चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जानते हैं, वहां पे इनको कैप्चर कर लिया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहरी और ठाकुर रोशन सिंह, इन 4 लोगों को फांसी दी जाती है और बाकी सारे लोगों को, जिसमें सचिंद्र नाथ जी शामिल थे, उनको काला पानी की सजा दी जाती है। कुछ लोगों को छोटे छोटे जो जेल हैं वो दी जाती है, 10 साल के लिए, 14 साल के लिए, 7 साल के लिए या 4 साल के लिए या 2 साल के लिए, ऐसी सजा जो है वो दी जाती है। आप एक चीज याद रखिएगा, जब ये सजा इसके लिए फाइनल वर्डिक्ट जो आया था वो मई 1926 को आया था, 21 मई 1926, उस समय जज जो है वो कौन था, हैमिल्टन करके, याद रखिए, हैमिल्टन रेवोल्यूशनरीज के लिए 9 जजेस जो है ना वो लड़ाई करे थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी जो है ना वो अपनी लड़ाई खुद से लड़े थे। ठीक है, उन्होंने अपना केस जो है वो खुद से लड़ा था। इस केस में कभी फांसी ना होती अगर काकोरी कांड के समय एक जने की मृत्यु ना होती। जब ये काकोरी कांड हुआ था तो एक जना अहमद अली नाम से एक पर्सन था, जो कि जब आपस में गोलियां चली तो इस पर्सन की मृत्यु अननेसेसरी या अनइंटेंशनली हो गई, किसी ने मारा नहीं था, रेवोल्यूशनरीज के द्वारा मारा नहीं गया था, लेकिन अहमद अली अकेला इस कांड के अंदर मरने वाला इकलौता पर्सन है जिसकी मृत्यु उस कांड के दौरान हो जाती है। इसीलिए इसकी मृत्यु के लेके, अहमद अली की मृत्यु को लेके ये केस जो है ना वो चलाया गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट वैसे नहीं था, 8,000 करके यहाँ पे जो है वो बोलते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी खुद से अपनी जान दे दी थी, चंद्रशेखर आजाद जी ने, वो कभी पकड़े नहीं गए थे, उनको ये था कि कभी भी इनकी गोलियों से नहीं मरना है, ब्रिटिशर्स की गोलियों से ना कभी भी नहीं मरना है। विच वन ऑफ द इंडियन रूलर 2 times fought the battle of तराइन, किस भारतीय शासक ने तराइन की लड़ाई 2 बार लड़ी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1191 और 1192। 1191 तराइन का पहला युद्ध, 1192 तराइन का पहला दूसरा युद्ध। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जी जो हैं वो जीत जाते हैं, लेकिन अपना भारतीय का शासक दागी मारते नहीं थे, जो ज़्यादातर नहीं मारते थे, छोड़ देते थे, तो यही छोड़ना भारी पड़ गया। मोहम्मद गौरी दोबारा से आता है अपने आप को रीडेवलप करके और अपनी सेना को बढ़ा के, जिसमें 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान जो है वो इनके द्वारा हराया जाता है, गौरी के द्वारा हराया जाता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है अभी तक कि गौरी पृथ्वीराज चौहान जी को लेके जाया जाता है गौरी के द्वारा, या कई सारे हिस्टोरियंस के अलावा पृथ्वीराज चौहान को हरा के पृथ्वीराज चौहान को यही छोड़ दिया जाता है, या फिर ना तो मारा जाता है और ना अपने देश में लेके जाया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पे।
राइट, विच अमंग दी, विच वन अमंग दीज इज नॉट आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स? पृथ्वीराज चौहान पहली बार जीत गए, दूसरी बार हार गए, जिस हार के बाद ये नहीं पता क्लियरली कि उनका क्या हुआ था, चंद्रवरदाई के अलावा, चंद्रवरदाई के अलावा कहीं पे भी किसी हिस्टोरियंस ने ये नहीं लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ले गए थे। हालांकि चंद्रवरदाई ने इसको पूरा एग्जैजरेट करके किया है कि जो पृथ्वी मोहम्मद गौरी है वो काफी ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, और उसके बाद चंद्रवरदाई के द्वारा एक स्टेंजा भी लिखा हो गया है, चार बास 24 अंगुल ता ऊपर सुल्तान मच्चू के चौहान, सुना है ना आपने ये? तो ये वाला स्टेंजा जो है ना वो बताया जाता है कि जब लिखा गया था उससे पहले मोहम्मद ये पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो चुकी थी, तो इसके बारे में ना वी हैव नो क्लियर आईडी। विच अमंग दी फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स? नॉन रिन्यूएबल भाई, इसमें आपके पास डायमंड्स लिखा है ना, डायमंड्स आपके नॉन रिन्यूएबल नहीं है ना, एक बार खत्म तो खत्म, आप उसे बार बार यूज तो नहीं कर पाओगे। सो डायमंड करके लिखिए, हु इज द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन? स्टीम इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, जिन्होंने इसको वाटर बाय फायर बोला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टीम इंजन के आविष्कार के बाद जो पहला वर्ड इनके द्वारा बोला गया था वो बोला गया था वाटर बाय फायर 1698 में। एक 1698 में सबसे पहली बार, इसका आंसर दीजिए, 1698 में पहली बार स्टीम इंजन को किसके द्वारा यहाँ पे एक किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था? तो थॉमस सेवरी करके, याद रखिए थॉमस सेवरी, नाम ध्यान से सुनिए कि मैंने क्या लिखा है, थॉमस सेवरी, थॉमस सेवरी, ध्यान से एक बार ध्यान से देखिए, सब कभी पता लगे थॉमस सेवरी आपके ऑप्शन में आ जाए। पहली बार वाटर बाय फायर का नाम लेके थॉमस सेवरी ने 1698 में स्टीम इंजन का आविष्कार किया, जिसको उन्होंने वाटर बाय फायर बोला। उसके कुछ साल बाद 1712 के अंदर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, 14 साल का कुछ डिफरेंस है, थॉमस न्यूकमन के द्वारा स्टीम इंजन को प्रॉपर तरीके से इन्हीं के आइडिया को लेके मिलके बनाया था। तो दोनों नाम याद रखिए यहाँ पे, वाटर बाय फायर, थॉमस सेवरी और थॉमस न्यूकॉमन। हम्प्रे डेवी नहीं, हम्प्रे डेवी आपकी काफी सारी गैसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके जोसेफ प्रिस्टली जो है वो ऑक्सीजन के गैसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेवरी का डिजाइन करके थॉमस न्यूकॉमन के द्वारा पहली बार स्टीम इंजन जो है वो डेवलप आपका किया गया था। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा प्लीज करके, क्योंकि पहली बार सेवरी ने बनाया था, सेवरी के साथ मिलके 12 साल के बाद थॉमस न्यूकॉमन ने पहला स्टीम इंजन बनाया गया। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई से है, कौन सी? करंट आपका शाम को 7 बजे चलता है, ठीक है, अब आपसे बस मुझे ये जानना है कि कुछ स्पेशल जो है ना वो हम लेके आ रहे हैं 10 दिन के, मैं आपके ना स्पेशल करंट अफेयर के सेशन लेके आ रही हूँ जो 2021 से रिलेटेड है, किससे? 2021। तो ये जीके वाली क्लास आपको एज इट इज यहीं पे करनी है, या यहाँ पे हम स्पोर्ट करके 7 PM की क्लास में कर दे, जैसे 10 स्पेशल क्लासेस है जिसमें आपके स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट ये सारी चीजें शामिल होगी, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस वाले करंट अफेयर को आप शाम की क्लास में करिए, इस क्लास को एज इट इज रहने दीजिए, या फिर ये वाली क्लास जो है वो शाम को 7 बजे करिए, और करंट अफेयर के 10 टॉपिक जो है ना वो आप मेरे साथ सुबह सुबह करिए। तो पॉइंट इज दिस कि करंट अफेयर के सारे टॉपिक्स में मुझे 50 से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराने हैं, उसके लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट भी होगी। तो अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो फिर मुझे इस क्लास को करंट अफेयर के टाइम तक 6:30 करना पड़ेगा, बस ये वाली चीज है, तो वो एक बार देख के ना उसको करेंगे। बाकी 2:3 करके याद रखिए, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो लेंथ के हिसाब से और विड्थ के हिसाब से बोला जाए तो 2:3 बोलेंगे, विड्थ जो है चौड़ाई जो है वो 2 है और लंबाई जो है वो आपकी कितनी आती है, 3 आती है। हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो काफी सार अच्छा अडॉप्ट कब हुआ, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज जो है वो उसको अपनाया था। क्या इससे पहले, अच्छा बनाया किसने, पिंग
पिंगाली वेंकैया है ना, पिंगाली वेंकैया जो मछलीपट्टनम से रिलेट करते हैं, 1916 में फाइनल जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो बन गया था। उससे पहले हमारे पास 7 नेशनल फ्लैग और भी बने हैं, जिसमें पहले नेशनल फ्लैग में हमारे पास ये कलर्स नहीं थे, और पहले नेशनल फ्लैग में हमारे पास ऑरेंज ग्रीन और येलो, कौन सा ऑरेंज ग्रीन और येलो कलर जो है वो यहाँ पे लाया गया। बाद में धीरे धीरे चेंजेस होते गए, बीच में हमारे झंडे के अंदर ऊपर में रेड, नीचे में ग्रीन और बीच में गांधी जी का चरखा भी लगाया गया था, राइट। पहली बार हमने ये वाला झंडा 1916 में रिप्रेजेंट, 1916 पिंगाली वेंकैया, 1917 में तो 1916-1917 में हमारे पास सिंपल वही झंडे थे। जो फाइनल वर्डिक्ट था वो 1947 में ही आया था, उससे पहले झंडा तो हम 1907 से ही कर रहे हैं। हमने अपना पहला झंडा कौन से साल में लेके आए ये बताइए, हमारा पहला झंडा कौन से साल में आया, 1906 में पहला झंडा जो है वो बनाया गया, जिसको 1906 और 1907 में रिप्रेजेंट किया गया। तो भारत का ऑफिशियली पहला झंडा 1906 में आया और 1947 में हमने आज का जो हमारा ध्वज है ना उसको अपनाया, ठीक है। विच वन इज नॉट अ बायोटिक नेचुरल रिसोर्स, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन जैविक नहीं है, हाँ इससे पहले झंडा जो है वो आपका सबसे पहली बार तो कमल ही आया था, सबसे पहली बार हमारे झंडे के अंदर जो बना था उसका आप काला वगैरह देख ही लीजिए, कल को पूछ ले आपसे ना। हमारा पहला झंडा हरा पीला और ग्रीन, ठीक है। ऊपर में ना 8 ऐसे कमल लगे हुए थे, उसमें बीच में जो है ना वो वंदे मातरम लिखा हुआ था, ठीक है। बीच में हमारे झंडे में वंदे मातरम लिखा था और नीचे एक चिन्ह, दो चिन्ह जो है वो इस तरीके से बने हुए थे। पहला झंडा ये था, बाद में इसके अंदर चेंजेस लाए गए, इसको कमल को हटा के स्टार्स जो है वो लगाए गए, बाद में भी कलर चेंज किया गया, फिर बीच में हमारा जो गांधी जी का चरखा जो होता है ना वो लगाया गया, उसके बाद जाके कहीं हमने 7 बार में इसको अडॉप्ट किया। इनमें से कौन सा बायोटिक नेचुरल सोर्स नहीं है, तो गोल्ड करके याद रखे, भूटान की राजधानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी सारे एनवायरमेंट से रिलेटेड जो आपके इसमें काफी ज्यादा एनवायरमेंट से रिलेटेड या जैसे ये एशियन वगैरह हुए काफी बार यहीं पे हुए हैं आपके, भूटान, भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू है ना। मलयालम इज नॉट स्पोकन एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बताइए कौन से भारत के राज्य में या यूटी में मलयालम भाषा आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं बोली जाती। अच्छा, रात का 9 बजे वाला टाइम ना चूज करिए, क्योंकि 9 PM पे मैं आपकी इस महीने कुछ स्पेशल क्लासेस लगा रही हूँ, 45 क्वेश्चंस वाली, जो हम पहले कर रहे थे ना 9 PM की 45 क्वेश्चन वाली हम एक क्लास कर रहे थे, तो मैं ऑल्टरनेट डेज में आपको 9 PM पे एक 45 क्वेश्चन वाली एक क्लास लगा रही हूँ, जिसमें आप 45 क्वेश्चन ग्रुप डी के हिसाब से करोगे, तो दैट विल बी अ टेस्ट सीरीज काइंड ऑफ, राइट। अभी बताइए कौन से, तो कौन सा आपका बायोटिक सोर्स हो गया, अभी बताइए। यहाँ पे दमन एंड दीव करके याद रख लें, दमन एंड दीव है भाई, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव जो आज आपका दादर और नागर हवेली के साथ मिलके काउंट किया जाता है, तो अब भारत में यूटीज की संख्या 8 है, जिसमें से दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव आपके मिला दिए गए। मलयालम भाषा दमन एंड दीव में नहीं बोली जाती है, जबकि केरला पुडुचेरी लक्षद्वीप में आपकी मलयाली या मलयालम। कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है, कर्नाटका वाले क्षेत्र में कन्नड़ लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, कन्नड़। इनमें से कौन सा स्रोत से जो एल्युमिनियम है ना वो प्राप्त की जाती है, तो आपका ये तो बहुत ईजी है, बॉक्साइड करके याद रखिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, अच्छा ये बताइए इनमें से किसको उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इनमें से किसको उत्तराखंड के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में इंक्लूड यहां पे किया गया, अभी 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 की न्यूज है, अभी 2021 आपका गया ही है, 24 दिसंबर 2021 को
इनको ये कार्यभार संभालने को दिया गया है। कौन है यहाँ पे, पढ़ा हो गया आपने, संजय कुमार मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा, एस नाम से ही इतने कंफ्यूजन, संजय कुमार मिश्रा जी याद रखिए, 24 दिसंबर 2021 को अभी ने यहाँ पे कार्यभार संभालने को दिया है। विच कंट्री विल होस्ट वुमेन्स अंडर 18 एंड अंडर 19 SAFF चैंपियनशिप इन 2022 के अंदर SAFF टूर्नामेंट जो है ये आपकी कौन सी तो कंट्री जो है वो करने वाली है, दो करने वाली है, देखो दो दो यहाँ पे SAFF पूरा चैंपियनशिप। SAFF क्या होता है भाई, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। SAFF क्या होता है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, राइट, फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, ठीक है, फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप करके याद रखिए, ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप कौन तो होल्ड करने, कौन होस्ट करने वाला है, अंडर 18 और अंडर 19 दोनों ही हमारा भारत जो है वो करने वाला है। इंडिया विल होस्ट 2020 और 2020 का अंडर 18 और अंडर 19 राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 नेशनल कंज्यूमर राइट का आपका थीम बताना है, आपको सिर्फ थीम बता दीजिए। का जो नेशनल कंज्यूमर राइट जो अभी 2022 वाले का आया नहीं है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब तो ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा कंज्यूमर राइट डे पता है आपको किस लिए यूज करता है ये वर्ड, देखिए कंज्यूमर राइट आपका उपभोक्ता होने के कारण आपको ये पता रहना चाहिए, जैसे अभी मैंने पीछे डेट लिखी थी वही डेट आपको इसके लिए भी याद रखनी है, दिसंबर 24 जो है ना वो आपकी नेशनल कंज्यूमर राइट डे के रूप में जानी जाती है, नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में जानी जाती है। कोई भी चीज आपको अगर बाजार में एमआरपी रेट पे मिल रहा है तो वो दुकानदार आपको ठग रहे, तो कभी भी आप एमआरपी पे जो आपकी, देखो एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है मैक्सिमम, तो वो जो भी दुकानदार आपको कोई भी चीज देता है आप उसके साथ ना मोल भाव करिए। हमारी जनरेशन में मोल भाव करना ना हमको लगता है अरे नहीं क्यों मोल भाव करना है, 10 बोला है तो हम 10 ही रुपए देंगे, 100 बोला है तो 100 रुपए देंगे, आपके पास एमआरपी जो लिखा रहता है उसके ऊपर भी आप नेगोशिएट जो है ना वो कर सकते हो। 24 दिसंबर जो है आपका क्या बोला जाता है, हाँ 15 मार्च जो है वो वर्ल्ड कंज्यूमर डे, और इंडिया का नेशनल हम लिख रहे हैं ना तो नेशनल कंज्यूमर डे जो है वो 24 दिसंबर को बोला जाता है। और इस बार का हमारा कंज्यूमर राइट डे का जो थीम है कंज्यूमर राइट्स डे का 2021 का वो है टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। सुविधाजनक बस यात्रा के लिए किस राज्य सरकार ने चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड जो है वो लॉन्च किए, नहीं नहीं आप कोई भी चीज बाजार से लेते हैं तो ये आपका हक है कि आप उस एमआरपी पे दिए गए एमआरपी, अब ये थोड़ी कि एक रुपए की चीज है उस पर भी लड़ाई करोगे, नहीं नहीं 50 पैसे में लेंगे हम, ऐसे नहीं हो सकता है ना। लेकिन आप जो भी जैसे दवाइयों पे सरकार छूट देती है, तो अगर आप दवाइयां मान लीजिए 150 रुपीज का कोई आपने टैबलेट का पैकेट लिया उस पर दुकानदार को छूट देनी ही पड़ेगी, और जो दुकानदार छूट नहीं देता है ना उससे आप सामान नहीं लीजिए ना, आप उस दुकान से लीजिए जहाँ पे आपको 10% 15% का रिबेट होता है। तो एमआरपी पे जरा थोड़ा बहुत बहस कर लिया करो, 10-5 रुपए बचेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं आपके यूज हो जाएंगे, है ना। ये बताइए कौन सी सरकार के द्वारा, तो महाराष्ट्र करके याद रखिए, महाराष्ट्र के टूरिज्म और एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं कौन, आदित्य ठाकरे जी, ठीक है टूरिज्म और एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं कौन, आदित्य ठाकरे जी करके याद रखिए, आदित्य ठाकरे जी। तो आदित्य ठाकरे जी के द्वारा ये चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन जो है ना वो आपकी लॉन्च की गई है। आरबीआई हैज एमपेन, दो क्वेश्चंस बचे हैं, आरबीआई हैज एमपेनल्ड विच बैंक एज एजेंसी बैंक टू अंडरटेक बैंकिंग बिजनेस ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, बताइए आरबीआई ने केंद्र राज्य सरकारों के बैंकिंग व्यवसाय को शुरू करने के लिए किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है,
नहीं हम लोग तो ऑलरेडी आपको डिस्काउंट दे रहे थे ना। अच्छा 3 बजे वाली क्लास ना आज से आपकी स्टार्ट है, ठीक है 3 बजे वाली क्लास। भाई बताया ना मैंने आपको, देखो मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार थी इसलिए क्लास नहीं लिया था, इतना भी नहीं था हालत कि बैठ के ले सकते थे, अदरवाइज मैं तो बैठ के ही ले लेती, है ना। अब से आपकी कोई नहीं, नहीं आप टेंशन नहीं लीजिए। जैसे मैंने देखो शुरू की क्लास में प्रॉमिस कर दिया है, और मेरे पिंकी प्रॉमिस होते हैं, मतलब मैं रखती हूँ ना अपने प्रॉमिसेस ज़्यादातर, तो अब एक प्रॉमिस बस ये है कि ये वाली क्लास 7 बजे वाली कंपनशेट तो नहीं किया जा सकता, लॉस को कभी कंपनशेट नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन हाँ एटलीस्ट इस पूरे हफ्ते चलाएंगे इंक्लूडिंग संडेज एज वेल, ठीक है। ये बताइए कौन से बैंक की हम बात कर रहे हैं जिसको एजेंट मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए आरबीआई ने इसको एजेंसी बैंक के रूप में एम्पैनल्ड कर लिया है, तो बहुत ही प्राइवेट सेक्टर, ये काफ़ी ओनर्ड बैंक हो गया है यहाँ पे, अब इसको एजेंसी बैंक के रूप में जाना जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सीएसबी बैंक की बात कर रहे हैं। किसकी, सीएसबी बैंक। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना। लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए। चाइना भी भारत में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई है, आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा जो सोंगपो लेक है और सोंगपो लेक उसके अलावा कुछ एरिया में आके चाइना अपने झंडे फिर से गाड़ के गई है। ये वाली चीज़ें न्यूज़ में नहीं दिखाई जाती हैं, वरना अब की बार लड़ाई होगी तो चाइना के साथ ही होगी। HDFC बैंक नहीं, CSB बैंक करके याद रखे। RBI ने ये वाली न्यूज़ आपकी अभी इसी ट्यूजडे की है, लास्ट ट्यूजडे की है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं CSB बैंक की। CSB बैंक, अच्छा नहीं सुने हैं, CSB बैंक आपका, अच्छा हेडक्वार्टर आपका थ्रिसूर में है, CVR राजेंद्र करके याद रखिए। CSB बैंक, CSB कैथोलिक सीरियन बैंक के नाम से, CSB बैंक हम पढ़ाए नहीं आपको इससे पहले, कैथोलिक सीरियन बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। काफ़ी प्रोग्रेसिव बैंक रहा है ये कुछ भारत के कुछ अभी पुराने सालों में। थिरुसर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, किसके अंदर, थिरुसर। अरे ये क्वेश्चन हम डिटेलिंग नहीं किए इसकी, थिरुसर के अंदर इस बैंक का हेडक्वार्टर है, CSB बैंक का हेडक्वार्टर थिरुसर। थिरुसर कहाँ पे है, केरला के अंदर। थिरुसर कहाँ पे है आपका, केरला के अंदर। तो कैथोलिक सीरियन बैंक थिरुसर हेडक्वार्टर यहाँ पे, और उसके उसके अलावा आपका ये बैंक का अभी हेड जो है वो कौन है यहाँ पे, CVR राजेंद्रन। कौन लर्न करना है, हेडक्वार्टर भी याद रखे, CVR राजेंद्रन, CVR राजेंद्रन। देखिए RBI ने इस बैंक को अभी एजेंसी नोडल बैंक के रूप में चुना है स्टेट और सेंट्रल के लिए, तो ये जानना जरूरी है। CSB बैंक, मुझे लगा इससे पहले हमने ये बैंक कवर किया है तो वहां पे डिटेलिंग हमने की होगी, नहीं की है। कैथोलिक सीरियन बैंक थिरुसर में इसका हेडक्वार्टर केरला के अंदर। देखिए बहुत ही कम ऐसे बैंक हैं जिनका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है, राइट। तो ऐसे बैंकों को आपको लर्न करना पड़ेगा जिनका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में नहीं है, समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर आपका हेडक्वार्टर आपका केरला, और इसके नोडल एजेंसी के जो हेड हैं वो है आपके CVR राजेंद्रन करके, ना याद रखिए, ठीक है। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना। तो चाइना की अभी जो एनेक्सेशन है भारत के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सोंगपोंग लेक पे बोला जा रहा है कि चाइना हैज़ पूरा कवर कर लिया उस एरिया को, तो बहुत जल्दी यहाँ पे इनके ऊपर आपको काफ़ी डिटेलिंग जो है वो मिलने वाली है। अभी हाल फिलहाल के लिए याद रखिए जो इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर जो चाइना के लिए चुने गए हैं वो हैं आपके प्रदीप कुमार रावत। कौन, प्रदीप कुमार रावत। सो दैट्स इट यहाँ पे जिन बैंक्स के हेडक्वार्टर, मैंने ये बोला जिन बैंक्स के हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में नहीं होते हैं ना, उनके हेडक्वार्टर थोड़ा ध्यान से आप पढ़िए। जैसे इसका केरला में है हेडक्वार्टर थिरुसर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरा लर्न करना है आपको, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है। सो दैट्स इट फॉर आपका आज के लिए। प्रदीप कुमार रावत जी याद रखिए यहाँ पे हेडक्वार्टर, शाम प्रदीप कुमार रावत जी आपके चाइना के नेक्स्ट एम्बेसडर। 6 PM और 7 PM की क्लास, और आपके YouTube पे 2 क्लासेस रहेंगी, एक आपकी 6 PM वाली और एक आपकी 3 PM वाली, मतलब 7 बजे वाली 6 PM की, 7 AM वाली और 3 PM वाली। 7 AM की क्लास में
आगे 2021 के स्पोर्ट्स रिलेटेड, अपॉइंटमेंट रिलेटेड, रैंक्स और इंडेक्सेस रिलेटेड हर दिन एक टॉपिक को टारगेट करते हुए करना है ना। लेकिन वो वाली क्लास हम देखिए 2021 का करंट अफेयर्स मिक्स करके नहीं, टॉपिक वाइज स्पोर्ट्स अलग होना चाहिए आपके पास, रैंक्स और इंडेक्सेस अलग होने चाहिए, अपॉइंटमेंट्स अलग होना चाहिए, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस मीटिंग्स हेडिंग्स कितनी भी हुई हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी चेंजेस हुए हैं, और साथ में कुछ मिसलेनियस, ये आप मेरे साथ शाम वाली क्लास में ना कवर करने वाले हो, ठीक है। भारत ने 6000 तो उस एरिया में, मैं आपको बता दूं ये वाली चीज शायद आप पढ़े नहीं होंगे या हो सकता है कहीं ना कहीं मिस हुआ होगा आपसे। आपको पता है ना पिछले 6 महीने में भारत ने अपने सैनिक हर एरिया से हटा के चाइना के एरिया में लगा दिए, और नवंबर के महीने में भारत ने चाइनीज बॉर्डर के ऊपर, भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वहां पे 5 लाख से ज्यादा सैनिक डिप्लॉय किए। आप समझ पा रहे हो 5 लाख संख्या कितनी है। उससे पहले भारत ने पूरा रोड्स बना के तैयार किया, बीआरओ ने वो रोड बना दिया जो पूरा चाइना बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर पे आराम से पहुंचा जा सकता है अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है। तो भारत इस मामले में, हम सिर्फ चाइना की डिप्लॉयमेंट सुनते हैं, भारत ने खूब अच्छे तरीके से ना 5 लाख से ज्यादा सैनिक जो है ना वहां पे आपके लगा दिए। अब आपकी क्लास जो है ना वो याद रखिए, टोटल यूट्यूब पे आपकी 2 क्लासेस रहेगी, 3 PM वाली और 7 AM वाली। 2021 का करंट अफेयर मैं पूरा का पूरा आपको शाम की 7 बजे वाली क्लास में परसों से कराना शुरू कर रही हूँ, यानी कि पहले आज और कल थोड़ा सा उसको बच्चों को बता देते हैं। तो इस शाम वाली क्लास में 2021 का पूरा करंट अफेयर्स जीके का टेस्ट MCQs के फॉर्मेट में मैं यहाँ पे करा दूंगी। यहाँ की क्लास को ऐसे ही चलने देते हैं, 7 बजे वाली क्लास को मिक्स क्वेश्चन के साथ, काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं ना इसलिए, और 2021 का करंट अफेयर शाम को 7 बजे वाली क्लास में, ठीक है ना। अब बताइए और कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं देखिए अभी बिल्कुल ठीक है। ये वाली क्लास 6 बजे वाली और 7 बजे वाली, आज की आपकी दोनों क्लासेस होने वाली हैं, तो आप बिना टेंशन लेके पढ़ो। आज 6 बजे आ जाओ, 6 बजे साइंस के ग्रुप डी के MCQ टेस्ट कर है, और अनअकैडमी पे किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप शिप्रा 10 कोड यूज कर सकते हो, और 22% ऑलरेडी देखो उपभोक्ता हो आप ना, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि MRP पे कोई भी चीज नहीं खरीदनी है करके, तो 22% ऑफ। और उसके अलावा अगर आप शिप्रा 10 कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो मिल ही जाएगा। आज है लास्ट डेट, और अगर आप आज अपनी SSC की या रेलवे की, UPSC, स्टेट सर्विसेज किसी के लिए भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो आज मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा, उसके बाद शायद नहीं रहेगा, है ना। अच्छा PDF कहाँ मिलेगी? PDF देखिए, ये क्लास खत्म होने के बाद PDF आपकी कमेंट सेक्शन में अपडेट यहाँ पे हो जाएगी। एक जगह और होती है PDF अपडेट, जो है आपका टेलीग्राम का ग्रुप, है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपका एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको INTPC आप एक बार ढूंढिएगा, वहाँ पे मेरे नाम से ढूंढेंगे तो आपको पता नहीं कितने ही टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएंगे। तो हमने ना उसमें एक नाम लिखा है फ्री NTPC एंड ग्रुप डी PDF करके ना, तो इसको मैं कन्वर्ट भी कर दूंगी आज, इसका नाम अच्छा सा चेंज करना पड़ेगा तभी आपको PDF लेने के लिए फायदा है। तो PDF आपकी जो है वो कहाँ पे अपडेट होंगी? इस क्लास के खत्म होने के बाद 10 मिनट बाद आप वापस से आइए, और इस क्लास के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको PDF जो है ना वो अपडेटेड मिल जाएगी। साथ में 200 क्वेश्चन वाली जो PDF है उसके अभी 50 क्वेश्चन जो है ना वो आपके रह गए, वो भी मैं आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। और बताइए कुछ और न्यू है तो प्रीवियस, देखिए प्रीवियस क्लास नहीं, डेली आपकी ऑलरेडी इतनी क्लासेस चल रही है ना कि आपके पास प्रीवियस क्लास देखने का टाइम नहीं है। अगर आप डेली जो क्लासेस चल रही हैं 4 क्लासेस उनको भी आप फॉलो करेंगे तो भी आपको कोई टेंशन यहाँ पे ना नहीं रहेगी, ठीक है। आप पूरा रिवाइज कर लीजिए, और क्लास का जो लिंक है ना वो आपको मिल जाएगा कहाँ पे? अच्छा आपको क्लास का लिंक यहीं पे दे दिया जाता है ना, अनअकैडमी के ये चैट बॉक्स के अंदर ही आपका लिंक जो है वो चला जाता है ना, तो यहाँ पे भी मैं आपका हर दिन जो है ना वो लिंक ऐड कर दिया करूंगी, तो आप सीधा सीधा जो है ना वो वहाँ पे पहुंच जाओगे, है ना। ऐसा भी कुछ है तो ये मैं आपका कल से करा देती हूँ, आज तो ये वाली टेक्निकली ना हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं, हम ना टेक्निकली एडवांस बच्चे हैं ना वो है ही नहीं,
काफी टेक्निकली पीछे जो बच्चे रह जाते हैं उनमें से। आज 5 तारीख है ना आपकी। ये जो मैं अभी आपने अपने ही अकाउंट से कर रही हूँ ना, आपको ये वाली आपकी एक लिंक अभी मैंने अपडेट की है, इसको एक बार चेक कर लीजिए। ये आपकी आज की क्लास के लिए। नहीं, साइंस शेखर मैं आपको सारी करा दूंगी, आप टेंशन ना लो। एज आई हैव प्रॉमिस्ड, ग्रुप डी से पहले साइंस का पूरा सेक्शन, बायोलॉजी का इसी बार मैराथन कर लेते हैं, वो मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। अभी क्लास की पूरी टाइम सुने, ये वाली क्लास आपकी 7 बजे, दूसरी क्लास साइंस की 3 बजे, यूट्यूब के चैनल के ऊपर ही, इसी चैनल पे अनअकैडमी पे, शाम को 6 बजे और 7 बजे। लिंक आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, अनअकैडमी की मेरी दोनों क्लासेस के जो लिंक है ना, वो आपको ना पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। तो पीडीएफ अभी 10 मिनट बाद ना इसी सेक्शन से ले लीजिए। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, हो गया ना अभी, बताइए। पीडीएफ का लिंक मैं आपको टेलीग्राम का लिंक मैं आपको पीडीएफ में लगा के दूंगी। और बताइए, पीडीएफ एक बार सारे के सारे खोल के देख लिया करिए, पीडीएफ आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है। आज आपकी काकोरी कॉन्स्पिरेसी का पूरा एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है और ट्राइबल्स वाले एरिया का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। तो उन दोनों सेक्शन को ध्यान से जो है ना वो पढ़िएगा, ठीक है। अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं आपको मिलती हूँ चैनल पे अभी 3 बजे और अनअकैडमी पे शाम को 6 बजे और 7 बजे। शाम को 7 बजे मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगी कि 2021 के जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो कहाँ, कैसे और कितने बजे करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी